मजबूत लोकतंत्र के लिए एक वोट की अहमियत क्या होती है? अगर इस सवाल का जवाब जानना है तो आपको बिहार के एक खास कपल की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के कुतुबपुर में रहने वाले आशुतोष और रीमा कुमारी की कहानी काफ़ी इंस्पायर करती है। दरअसल लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स में रहने वाला यह कपल खास तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारत लौटा है। वोट देने के लिए जब यह दंपति अपने गांव पहुंचा तो परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। आशुतोष के पिता अवधेश सिंह और मां सुधा कुमारी का कहना है कि विदेश में रहने वाले लोग सिर्फ पर्व और त्यौहार में घर आते हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा उत्सव है जिसको मनाने के लिए बहू और बेटा गाँव पहुँचे हैं। आशुतोष सिंह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स अपने परिवार के साथ रहते हैं। आशुतोष ने बताया कि उन्हें 19 अप्रैल को कैलिफोर्निया से दुबई होते हुए इंडिया आना था, लेकिन वहां तेज़ बारिश होने लगी, लिहाजा उन्होंने 29 अप्रैल को वहां से अपनी फ़्लाइट ली और भारत अपने घर पहुँचे। आशुतोष और उनकी पत्नी रीमा कुमारी मानती हैं कि देश विदेश में मोदी जी ने बहुत नाम किया है। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी जब विदेश में आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई परिवार का सदस्य आया है। विदेश से वोट देने हाजीपुर पहुंचे इस कपल का मानना है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है और ऐसे में देश को मजबूत करने के लिए वोट देना ज़रूरी होता है। इस कपल का कहना है कि जिस तरह से विदेशों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने देश को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह हमें भी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये दोनों कपल्स की तरफ से लोगों को एक लोकतंत्र के चुनाव के लिए खासा मैसेज दिया गया है।